नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले भी एक यूट्यूब मैनोमीटर का वीडियो देखा था जिसमें पॉजिटिव प्रेशर था आपका, और अभी जो प्रॉब्लम देख रहे हो आप ये वैक्यूम प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी इज कनेक्टेड टू पाइप इन विच फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एंड हैविंग वैक्यूम प्रेशर इज फ्लोइंग। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है ये किस चीज़ का है? वैक्यूम का है। तो इसके तरह से क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले पाइप बना लो। एक पाइप बनाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यूट्यूब मैनोमीटर पाइप को कनेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपका डाटम रहेगा ए। अभी ये जैसे प्रॉब्लम वैक्यूम का है तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपका जो राइट लिम में आपका डाटम तक ही आपका क्या रहेगा, मर्क्यूरी रहेगा। यहाँ तक आपका मर्क्यूरी का लेवल है और आपका यहाँ पे जो लिक्विड है 0.8 का वो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और लेफ्ट लिम में ही वो। ठीक है, तो आपके ये जो पाइप है इसमें S1 है, उसका कितना ग्रेविटी है? 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और इसमें पाइप में वैक्यूम है। आपकी डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। फिर द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू एटमोसफियर। ये जो अदर एंड है ये ओपन टू एटमोसफियर है। फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन टू लिम्स इज 40 सेंटीमीटर। अभी ये जो डिफरेंस है वो कितना बता रहे हैं? ये जो टू लिम्स है, ये लेफ्ट लिम है, ये राइट लिम है, इतना इसमें डिफरेंस कितना बता रहे हैं? वो 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेवल इज ओके, द हाइट ऑफ फ्लूड इन द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो। आपका ये जो पाइप का सेंटर है, पाइप के सेंटर से जो लिक्विड का जो लेवल है वो कितना बता रहे हैं? वो 15 सेंटीमीटर बता रहे हैं। इसके जो स्टेटमेंट था उसके ऊपर से ये डायग्राम आपकी रेडी हो गई। अभी आपको क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा लिख दो आप आंसर। गिवन डाटा आपका S1 कितना दिया है आपको? 0.8 दिया है। उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। डेंसिटी के लिए क्या है, डेंसिटी निकालने के लिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गिवन फ्लूड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूड। ओके, तो इसका ये क्या हो सकता है, डेंसिटी ऑफ ए गिवन फ्लूड आपको नहीं दिया है और आपको डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड कितना होता है? 1000 होता है। और यस कितना दिया है आपको? 0.8 दिया है यहाँ पे। तो आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप क्या कर सकते हो, 0.8 × 1000। ओके, तो ये आ जाएगा आपका डेंसिटी, आ जाएगा 800 kg/m³। सेम आपको क्या करना है, S2 निकालना है। S2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो ऑफ ए गिवन फ्लूड अपन रो ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूड। तो इसमें ये कितना है आपका, S2 कितना है? 13.6 है। रो आपको पता नहीं है और स्टैंडर्ड का कितना है? 1000 है। तो ये रो क्या आ जाएगा आपका, 13.6 × 1000 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आ गए आप। अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट लिम और राइट लिम क्या करना है आपको, ये लेफ्ट लिम और राइट लिम आपको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका प्रेशर पी है। तो देखिए अभी इक्वेटिंग लेफ्ट लिम एंड राइट लिम, पी प्लस आपका ये जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे रो जी एंड H1 रहेगा आपका, रो 1 जी एंड H1 प्लस लेफ्ट लिम में और कौन सा फ्लूड है आपका, मर्क्यूरी है यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा, रो 2 प्लस जी और उसका हाइट H2 = 0। यहाँ राइट में कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये पी ये ही साइड रखना है और ये पूरा जो है ये पूरा राइट हैंड साइड पे लेके जाओ आप, रो 2 जी H2 - रो 1 जी H1। ओके, ये अभी इसमें वैल्यू डाल दो आप। वैल्यूज़ क्या क्या है आपके, रो क्या है आपका, 13.6 - 13.6 × g 9.81 × H2 कितना आपका, 40 है। तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.4। ठीक, ये हो गया। अभी ये कितना आया था आपका, रो वन कितना आया था, 800 × 9.81 × H1 कितना है आपका, 15 है, 15 तो 0.15। इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरी एक गलती हुई है, यहाँ पे ना 1000 चाहिए था यहाँ पे। ओके, इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम गलत हो रहा था। 13.6 × 1000
into 1000 into 9.81 into 0.4 533 666.4, और ये माइनस आपका कितना आएगा, ये और ये आएगा 1177.2। इसको आपको क्या करना है, यह माइनस रखना है और यहाँ पे प्लस कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा माइनस 5453.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।